दिल्ली में बाढ़ के बाद जायजा लेने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के सांसद मनोज तिवारी को जनता ने उल्टे पैरों भगा दिया। उनका वीडियो सामने आया है, वीडियो हम आपके सामने रखेंगे। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि जब मनोज तिवारी को जनता के बीच से भागना पड़ा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि दिल्ली के अंदर ही जब एक ब्रिज का उद्घाटन होना था उस वक्त भी हाथापाई तक मनोज तिवारी के साथ हुई थी। अब ये मामला क्या है? दरअसल आप जानते हैं कि दिल्ली में बाढ़ प्रभावित इलाकों में जो है जहां पर पानी भरा हुआ था वहां पर जो है नेताओं का आना जाना लगा हुआ है। अभी एक तस्वीर आपने इमरान प्रतापगढ़ी की भी देखी थी और उसी तर्ज पर जो है अब मनोज तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है वो पहुंचे थे। जैसे ही जनता के बीच में मनोज तिवारी पहुंचे जनता का आक्रोश फूट पड़ा और मनोज तिवारी वहां से उल्टे पैरों भागते हुए दिखाई दिए। यहां तक कि जो जनता थी वो उनकी आवाज आप वीडियो में सुन सकते हैं। जनता कह रही थी कि जो चोर होते हैं वो भागते हैं, यानी जनता की शिकायत थी। लेकिन इसी बीच मनोज तिवारी ने गेट बंद किया कार का और चलते बने। सबसे पहले आप ये मनोज तिवारी का वीडियो देखिए, इसके आगे हम बात करते हैं। हट जा भाई, अरे इधर आ जा, हट जा, चलो 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 फिर खत्म करो। तो वीडियो आपने देखा जिसमें साफ तौर पर सुना जा सकता है जनता का आक्रोश। हालांकि मनोज तिवारी अपनी कार से बाहर नहीं आए थे, ये वीडियो आप देख सकते हैं कि कार से बाहर नहीं आए, लेकिन जनता का आक्रोश देख के वो कार के अंदर ही बैठे बैठे जो है जनता की बात सुन रहे थे। इसी बीच आपको आवाज आएगी कि जो चोर होते हैं वो भागते हैं, और ऐसा सुनते ही मनोज तिवारी कार का गेट बंद करते हैं और वहां से रफू चक्कर हो जाते हैं। सवाल यह है कि मनोज तिवारी आखिर करने क्या गए थे? क्योंकि जनता का आक्रोश यह है कि जब वो बाढ़ से डूब रहे थे, जब उनको खाना नहीं मिल रहा था, जब उनको पीने का पानी नहीं था, उस वक्त ये सारे नेता कहां थे? उस वक्त क्यों नहीं आ रहे थे? उस वक्त तो आरोप प्रत्यारोप में लगे हुए थे। कोई केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहा था तो कोई भारतीय जनता पार्टी को इसका जो है जिम्मेदार ठहरा रहा था, यानी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे। लेकिन उस वक्त जब ये डूब रहे थे तब नेता इनके पास नहीं पहुंचे मदद के लिए। अब जब पानी धीरे धीरे दिल्ली का पानी जब कम हो रहा है तब जाकर जो है ये नेता मंडली इन लोगों के बीच में पहुंच रही है। अब इसको चाहे वोट की राजनीति कह लो या एक तरीके से सहानुभूति के लिए वहां पहुंच रहे हो ताकि जनता के बीच में एक मैसेज जा सके कि हाँ भाई फला पार्टी के नेता जो है वो मदद के लिए गए हैं। लेकिन मदद कितनी की है ये आप देख ही सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको नाम बताया कि इमरान प्रतापगढ़ी भी गए थे, शिकायतें उनसे भी रही थी। हालांकि इमरान प्रतापगढ़ी को जनता ने भगाया नहीं था, लेकिन यहां पर मनोज तिवारी जो है कार बंद कर भागते हुए नजर आए। इसके अलावा भी और भी कई पार्टी के नेता जो है लोगों से मिलते हुए दिखाई दिए। लेकिन इसमें सबसे जरूरी सवाल यह है कि देखिए ये वीडियो तो आती जाती रहती हैं, नेता का विरोध भी होता है, नेता का समर्थन भी होता है, लेकिन इसमें समझने की बात यह है कि ये नेता वाकई जब लोगों को जरूरत होती है, पीड़ित व्यक्तियों को जरूरत होती है, तब कितना वहां तक पहुंचते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, ये समझने की जरूरत है। चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, भारतीय जनता पार्टी के नेता हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, जब वाकई दिल्ली के लोगों को जरूरत थी तो क्या ये नेता अपनी अपनी सवारी से वहां तक पहुंचे थे साजो सामान के साथ, यानी जो जरूरत के सामान थे, खाने के पैकेट या साफ शुद्ध पानी या कपड़ा या इस तरीके की चीज लेके कुछ पहुंचे थे? तो आप देखेंगे कि कोई नहीं। हाँ, कुछ ऐसे लोग थे, कुछ मुस्लिम संगठन, कुछ अलग संगठन, सिख समुदाय के लोग, जहां पर उन्हें देखा जा सकता है कि वो खाना बनवा करके बाढ़ पीड़ित इलाकों में लेकर गए थे और उन लोगों की मदद की थी। लेकिन आपको नेता नगरी के जो लोग हैं वो नजर नहीं आएंगे। हाँ, अब नजर आ रहे हैं, लेकिन अब जो है जनता का रिएक्शन भी काफी देखने को मिल रहा है। बहरहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको क्या कुछ कहना है मनोज तिवारी के इस वीडियो को लेकर, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय जरूर बताइएगा। और अभी तक अगर आपने AR न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इस तरह के एनालिसिस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। Subscribe now.
एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट।